हेलो, आज हम लोग FTRE 2022 यानी लास्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है ए इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस अंडर रूट 7 प्लस 4। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए बड़ा होगा कि बी बड़ा होगा। अब यहाँ पे हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो इसको अगर हम लोग कोई आइडेंटिटी ना लगा के डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे रूट 11 की वैल्यू 3.3 एक हम लोग ले लें, डेसिमल के 1 पॉइंट तक भी ले सकते हैं। रूट 7 अगर लेके जल्दी से इसको सॉल्व कर लें तो हम क्या देख रहे हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम लोग देखेंगे, आर एक्स इज़ द रिमाइंडर, अगर इस डिवाइडेड बाई दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ आर टू। तो अगर हमने इसको क्या करना है, इसे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है, और डिवाइड करके हमें क्या मिलता जाएगा, अगर हम लोग इसको डिवाइड करते जा रहे हैं, करते जाएंगे तो हम लोग को डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, 4x-1। ये 4x-1 हमारा क्या होगा, दिस इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है 4x-1 अगर मेरा x, तो इसने क्या है, हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, आर टू की, यानी कि x की जगह हम क्या रख दें, टू रख दें, x की जगह हम टू रख दें तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, 7। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 7। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे हमें भी एक ट्राइंगल दिया गया है, ए बी की वैल्यू दी गई है 4। ठीक है, एक हमको क्या दिया गया है, ट्राइंगल जहाँ ए बी की वैल्यू दी गई है 4 और बी सी की वैल्यू दी गई है 7। ठीक है, ये एक परपेंडिकुलर है बी डी, तो हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी डी, मुझे इस बी डी की वैल्यू पता लगानी है कितनी होगी। तो इसको हम वैल्यू पता लगाने के लिए हम क्या करें, पहले हम लोग हाइपोटेन्यूस पता कर लें। ठीक है, ए सी पाइथागोरस थ्योरम से हमने पता कर लिया, हम लोग क्या जानते हैं, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अब इस हाइपोटेन्यूस को हम क्या मान लें, बेस, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो हमको क्या पता चल जाएगा, बी डी की वैल्यू इजीली पता चल जाएगी, 28/√65। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 58, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू के, कॉस थीटा अगर हमने क्या करा, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, बोथ साइड होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू के स्क्वायर, दोनों साइड मैंने होल स्क्वायर कर दिया। हम क्या जानते हैं, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये 1 रख दिया, तो कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएं, के स्क्वायर माइनस 1/2। अब हमको क्या पता करना था, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा हमें पता करना था। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हमने लगा दी और सबकी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर दिया, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 58 का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 59 को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या हमें दे रखे हैं, कोई 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं हमें ट्राइंगल के। ठीक है, और पी क्यू आर उसमें कहीं लाई कर रहे हैं। ठीक है, पी क्यू आर कहीं लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या दिया है कि जो पी ए पी और पी बी का रेशियो दे रखा है, ए पी और पी बी का रेशियो दे रखा है 113 and 74। इसी तरह इनका भी रेशियो दे रखा है 113 and 74। इसी तरह इसका भी रेशियो दे रखा है 113 and 74। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं। तो ये हमने क्या करा, अब हमने इसको हमने फॉर पी के लिए, पी अगर हमारा कोई बीच में कहीं मिड पॉइंट पर कट कर रहा है या कहीं पे भी कट कर रहा है, लाइक एम इज टू एन के रेशियो में ए और बी लाइन का, तो फार्मूला हमको लगा दिया। ठीक है, एम एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम प्लस एम टू। ठीक है, तो उस फॉर्मूले से हमने क्या पता कर लिया, एक्स वन पता कर लिया, एक्स वन पता कर लिया सेम एज इट इज़, इसका एक्स टू पता कर लिया सेम एज इट इज़, इसका एक्स थ्री पता कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना था, जो इनसे ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड क्या होगा, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन 3। तो ये वैल्यू रख के हमने एक सेंट्रॉइड की वैल्यू निकाल ली एक्स कोऑर्डिनेट की।
अभी सेम एज इट इज़ अब हमें क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम एक्स कोऑर्डिनेट को पहले ऑप्शंस में चेक कर लेते हैं कि वैल्यू कहीं ऑप्शन में मिल रही है नहीं। तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट इन चारों ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा है। जब एक्स नहीं मिल रहा है तो अननेसेसरी वाई को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत तो नहीं लग रही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, नॉन ऑप्शन होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ रैंडम दे रखे हैं हमें, कोई 9 नेचुरल नंबर दे रखे हैं, यानी कि 1 to 9 दे रखे हैं, और y सिलेक्टेड। अब एक दूसरा सेट दे रखा है 50 से लेके 56 तक, ठीक है। ये 7 नंबर ये दे रखे हैं, 9 नंबर ये दे रखे हैं, 7 और 9। तो टोटल नंबर हमारे कितने हो जाए, 9 into 7 is 63। अब कह रहा है कि मुझे क्या करना है, x प्लस वाई क्या होना चाहिए, x प्लस वाई इवन होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन जो इवन हो, ठीक है। तो पहला नेचुरल नंबर 1, तो दूसरे वाले का 51, इन दोनों का सम क्या होगा, इवन होगा। सेम एज इट इज़ 3 और 51, सेम एज इट इज़ 5 और 51, 7 और 51, और ऐसे ही 9 और 51। तो 51 53 55, ऐसे मैंने ऑड नंबर्स को ले लिया और नेचुरल नंबर में भी ऑड ले लिया, ऑड प्लस ऑड इज इवन, ठीक है। तो ऐसे नंबर मुझे कितने मिल गए, 15। इसी तरह मैंने क्या करा, इवन प्लस इवन भी क्या होता है, इवन होता है। तो 2 और 50 4 और 50 6 और 50 8 और 50, ऐसे इसके कॉम्बिनेशन बना लिए, तो कितने नंबर मिल गए, 16। तो हमारे टोटल इवेंट कितने हो गए, 16 प्लस 15 इज 31, और आउटकम कितने थे, 63। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 31 बाई 63। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 61 में हमें क्या दे रखा है, कोई प्राइम नंबर है जो अदर देन 2 है। तो हमने कोई मान लिया, लेट प्राइम नंबर इज 5, और इसके जो को प्राइम है वो विच इज को प्राइम टू 2p square। तो हमने कोई को प्राइम के साथ इसको देख लिया कॉम्बिनेशन, तो हमने कुछ नंबर बना लिए, और इसको जो हमने देखा कि कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं को प्राइम, जो 50 से लेस होंगे, ठीक है, विच आर लेस देन 2p square। तो 2p square यानी कि 50 है ना, तो कितना हो गया, जो हमने इसके साथ कॉम्बिनेशन करिए, टोटल हमारे नंबर कितने आ रहे हैं, 20 ऐड करके आ रहे हैं। तो हमने इसको ऑप्शन के साथ ऐड कर लिया और एक वैल्यू रख के देख ली। तो इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि कोई भी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, और पुट करके आप देख लीजिए, जिसमें भी ऑप्शन चेक हो रहा होगा उस ऑप्शन को सही कर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हो रही है। इधर से सॉल्व करेंगे तो भी 20, और राइट साइड से अगर हम लोग कर रहे हैं कॉम्बिनेशन देख के तो भी 20, दोनों साइड से 20 20 हो रहा है। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हम लोग क्या करना है, हमको एक दे दिया गया है, एक के एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस के, ठीक है, एक पॉलिनॉमियल दे दी गई है, उसका रिमाइंडर कितना है, -3, अगर हम इसको x से डिवाइड करें, ठीक है। तो हमने क्या करा, x से डिवाइड कर दिया इस पॉलिनॉमियल को, तो रिमाइंडर क्या आ गया, k। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या है, -3, यानी कि k की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि अब अगर हमारा रिमाइंडर जो है a है, अगर हम इसको x प्लस k से डिवाइड कर दें, अगर इसी पॉलिनॉमियल को x प्लस k से डिवाइड कर दें, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ने क्या करा है, k की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, k की वैल्यू कितनी निकाल ली है, -3। तो हमने यहाँ -3 रख के फिर से इसी पॉलिनॉमियल को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हमको क्या मिल गया, ये मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। पर इनके हिसाब से रिमाइंडर क्या था, वो रिमाइंडर कितना है, a है। तो हमारा रिमाइंडर और इनका रिमाइंडर क्या है, ए। तो दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल हो गए। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमको किसकी वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 15। तो ये ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो 62 का ऑप्शन क्या होगा, 62 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। ये मैक्सिमम कहीं पे भी सब लोगों ने इसको गलत प्रूफ कर रखा है, तो एक बार इसको आप ध्यान से करेंगे तो ये ऑप्शन 15 आएगा, ठीक है। 63, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है।
तो इसको अगर हम देखेंगे तो साइन एक्स मान लेंगे, कॉस एक्स को मान लेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, और जो दूसरी वैल्यू है वो हमको नेगेटिव मिल जाएगी और ग्रेटर देन वन मिलेगी। तो ग्रेटर देन वन तो साइन एक्स की वैल्यू हो नहीं सकती, माइनस वन से वन ही जा सकती है, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। ये वैल्यू ही केवल पॉसिबल है। अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव हमारी कब हो सकती है, साइन की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब कॉस स्क्वायर एक्स की अगर हम कोई भी वैल्यू रख लें और उसका स्क्वायर कर दें तो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो इसके तो कोई क्वाड्रेंट का इससे कोई मतलब है नहीं। तो पॉजिटिव वैल्यू बराबर होनी चाहिए साइन एक्स के, और साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट ही इसका सही आंसर होगा। अगर हम इसको बाकायदा बाई कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो एक्स की वैल्यू आ जाती है 38 डिग्री, 38 डिग्री आसपास का ऐसा है। तो साइन 38 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स 38 डिग्री, ठीक है। तो कैलकुलेटर से तो हम लोग को सॉल्व नहीं करना है, लेकिन चेक करने के लिए आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, हमको तीन लाइंस दी गई हैं, ठीक है, जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जब तीन लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इन तीनों लाइनों का हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं, L1, L2, L2, L3 और L1, L3, ठीक है। तीनों साइड लाइंस का हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पता कर लिया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि कितने ऐसे पॉइंट होने चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, कि कितने ऐसे पॉइंट एक्स वाई में होने चाहिए जो इनसे इक्वल डिस्टेंस रखते हों इन लाइनों से। तो इस लाइन से हम क्या देख रहे हैं, ये तीनों लाइंस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बिल्कुल एकदम अलग अलग हैं, ठीक है। तो अलग अलग हैं यानी कि इनसे क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। अगर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो इनसे एक हर इस पर हम एक सर्किल बना सकते हैं, जो सर्किल से सेंटर से ये क्या होगा, ये लाइनें इनकी जो रेडियस होगी वो इक्वल डिस्टेंस होगी। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। इसी तरह इस लाइन पे भी हम तीनों लाइनों को मिलाते हुए एक सर्किल बना सकते हैं, ठीक है। इनकी भी जो रेडियस होगी ये भी इक्वल डिस्टेंस होगी, यानी कि दो पॉइंट हो गए। इसके अंदर एक सर्किल बना सकते हैं, वो भी एक पॉइंट होगा, उसकी भी रेडियस इन तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे दूरी पे होगी। और इसी तरह एक और ये चौथा सर्किल भी बना सकते हैं, जिसका भी जो सेंटर होगा उसकी भी जो रेडियस होगी इन तीनों लाइनों से इक्वल डिस्टेंस बना रही है। तो हम कह रहे हैं ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इनसे इक्वल डिस्टेंस बना रहे हों इन लाइनों से। तो इक्वल डिस्टेंस क्या हो सकती है, रेडियस 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 हैं, तो ऐसे कितने पॉइंट हो सकते हैं, फोर पॉइंट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो 64 हो गया। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। यहाँ हमको क्या दिया गया है, तीन P1 P2 P3 रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। तो सिंपल सी हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज हम लोग को दी गई हैं 65 में। तो कितनी टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1 + 2 + 6 = 21। अब कह रहा है कि ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1, 3 और 5, यानी कि टोटल 9। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई ऑड की, 9/21 मीन्स 3/7। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 65 इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ इन 66 में हम लोग देखते हैं, एक लाइन है डज नॉट पास विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट। एक लाइन हमें दी गई है और हमें क्या पूछा गया है कि ये किस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन हमको दी गई है, हमने एक्स की वैल्यू देख ली, इक्वल टू ये है, पुट एनी नेगेटिव वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। तो वी गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, हमने कोई वाई की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रख के देख ली तो हमें क्या मिल रहा है, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव मिल रही है, ठीक है। अगर वाई नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव है, तो विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए, वाई की वैल्यू नेगेटिव, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो रही है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट से ये पास नहीं होगी क्योंकि वाई नेगेटिव है, एक्स भी नेगेटिव, यानी कि थर्ड से तो पास हो रही है तो फोर्थ से ये पास नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है। 85 में हम लोग को क्या दे रखा है, एक क्यू दे रखा है 21/125 क्यू टर्मिनेट्स इन द फोर प्लेसेस। तो हमने क्यू की वैल्यू इधर से देख के ही डायरेक्ट हमने रख दी 80, तो 80 को हमने देखा और इसको देखा 4 पॉइंट तक ये टर्मिनेट हो जा रही है, तो डायरेक्ट क्यू की वैल्यू क्या हो गई 80। तो कुछ क्वेश्चंस को आप जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर पुट करके आंसर को चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमको क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया गया है ए डी बी और एक ट्राइंगल है ए डी ई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया, इन दोनों का एक इस ट्राइंगल का रेशियो कितना है 1 है और इसका जो एरिया है वो कितना है 4 है। तो ट्राइंगल्स के अलग अलग एरिया दिए गए हैं। तो हम लोगों ने क्लास 10th के जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें ये फॉर्मूला तो हट चुका है कि एरिया ऑफ वन ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मेरे ख्याल से ये शायद CBSE बोर्ड के सिलेबस से हट चुका है सिलेबस से पॉइंट, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वो उनकी साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हमने साइड के रेशियो के बराबर करा है, तो इसकी साइड्स की वैल्यू हमने निकाल ली है, दिस इज डी अपॉन ए बी इज 1/2, ठीक है। अगर हमने कुछ डी को कुछ रेशियो मान लें 3x है या x है, तो ए बी उससे क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो ए बी उसकी डबल हो जाएगी, 6x हो गया। अब डी ई और ए सी का रेशियो भी हमें दिया गया है, ठीक है, 3/2। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ई सी की रेशियो भी निकाल सकते हैं। इसी तरह हमारा डी सी कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया ए बी एफ, एरिया ए बी एफ इज इक्वल टू 1/2 × base × height और एरिया डी ई एफ 1/2 × base × height, ठीक है। ये हमने कर दिया, तो इससे हमें क्या निकल आया, हाइट निकल आया। अब ये क्या होता है, ट्रेपीजियम का सम ऑफ द पैरेलल साइड्स प्लस डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये हाइट हमें निकालनी है और ये हाइट निकालनी है h1 और h2। तो ये दोनों हाइट का क्या हो जाना चाहिए, सम हो जाना चाहिए, h1 और h2 का हाइट का सम, टोटल हाइट पता चल गई। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 distance between 2 parallel sides, यानी कि हाइट, ठीक है, बस ये हाइट की ही प्रॉब्लम आ रही थी, एंड सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑप्शन इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 11 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये मेरे ख्याल से एक ही टिपिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना उतना आसान नहीं है जितना ये देखने में लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है और टिपिकल है, इसको आप मान सकते हैं कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 87 वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये कई बार ऑलरेडी इनके पुराने पेपर्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये देखने में ही बस केवल कठिन लग रहा है। यहाँ क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ जी एच की वैल्यू पता करनी, और यहाँ पे भी ध्यान से देखेंगे ए प्लस बी सी, तो यानी कि जो कोएफिशिएंट है एक्स की पावर 7 एक्स पावर 6 ये सब क्या है, 1 ही होंगे, तभी तो ये पता करनी है। तो हमने एक्स की वैल्यू को डायरेक्ट पुट क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे तो ये यही आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो इसके लेफ्ट साइड में भी 1 पुट करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन में भी हमने 1 पुट कर दिया, इक्वेशन में 1 पुट कर दिया, तो डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाती है 5144, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, ठीक। 88 ये डेफिनेटली आप लोग के अभी लेवल से थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि इसको जो है करने के लिए अभी मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी के अंदर आपको वेन डायग्राम वाले प्रोबेबिलिटी अभी आपको नहीं बताई गई है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसका अंदर क्या लग रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करा जा रहा है। तो ये फॉर्मूले आपको क्लास 11 से ही मिल पाएंगे, ठीक है। तो क्लास 11 फंक्शन में जब आप देखेंगे वेन डायग्राम देखेंगे तो आपको ये फॉर्मूले वहाँ पे मिल जाएंगे प्रोबेबिलिटी के, तो प्रोबेबिलिटी से हम ये फॉर्मूला देखेंगे। अभी हम लोग इस नए वीडियो में जब बनाएंगे तो प्रोबेबिलिटी को भी डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूले कैसे देखें, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और 0.3 आ जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोग ने 10th में ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा है, इसलिए थोड़ा सा ये टिपिकल है,
वेन डायग्राम जिसने भी पढ़ रखा होगा उसको ये कर सकता है, या फंक्शंस जो भी पढ़ रहा होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पे डायरेक्ट हम आंसर रखते जाएंगे और वैल्यू निकाल देंगे इस पॉइंट थ्री। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 89 सिंपल क्वेश्चन है, साइन एक्स साइन वाई, एक्स और वाई वाले फंक्शन वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इनकी कोई वैल्यू ही पुट कर दीजिए। तो एक्स और वाई की अगर हमने वैल्यू मान लीजिए 0 0 पुट कर दी, तो सेक 0 और सेक 0, वो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो क्या हो गया, 1 + 1 = 2। यानी कि एक्स भी 0 डिग्री हो सकता है, वाई भी 0 डिग्री हो सकता है। जब 0 डिग्री अगर है तो हम राइट साइड में भी ये 0 पुट कर दें, क्योंकि हर एक एंगल के लिए पॉसिबल होगा। तो 0 ही यहाँ पे पुट कर देते हैं, 0 पुट करके डायरेक्ट अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -1। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आप जब भी आएगा इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं और आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं, -1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, 89 का। अब लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या दे रखा है, एक हमको एक पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप तुम लोग को अब दिक्कत ये आ रही होगी, क्लास टेंथ में फिर सीबीएसई बोर्ड ने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हटा दिया गया कोऑर्डिनेट से। तो हम लोग को क्या है, एक पैरेललोग्राम का एरिया पता करना है। यहाँ पे हमको 3 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पता है, यानी कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दें तो उसका अगर हम लोग डबल कर दें तो हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, अप्लाई कर दिया गया है और उसका 2 टाइम्स कर दिया गया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स आप जो हैं अपने बुक से आप देख सकते हैं, जो चैप्टर से ये पार्ट शायद हटा एरिया ऑफ ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स में, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के इस एरिया को निकाल दिया गया है। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है, उनको हमें सेलेक्ट करना है एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज़ ग्रेटर देन 50। वो जो 2 डिजिट का जो नंबर है उनके आपस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो मान लीजिए 2 डिजिट नंबर 7 और 8 है, तो 7 × 8 56, यानी 50 से बड़ा है। तो ऐसे हम सारे कॉम्बिनेशन बना लें। अब 2 डिजिट नंबर होते कितने, 2 डिजिट नंबर हम देखेंगे 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं, यानी कि कितने नंबर होते हैं, टोटल 90 नंबर्स होते हैं। ठीक है, और 2 डिजिट नंबर 78, 87, 79, 97, 69, 96, 98 तो 89, 99 तो 88। ठीक है, ये वो नंबर्स हैं जिनका आपस का मल्टीप्लिकेशन 50 से ज़्यादा होगा। तो ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं, इनको हमने काउंट कर लिया, टोटल 10 नंबर आ रहे हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 10/90, 10/90 = 1/9, तो 1/9 इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 में, यहाँ पे हमको एक ग्राफ दे रखा है और ये पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, ए बी सी डी में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया या तो ए है या डी है। तो ए और डी को अगर हम ध्यान से देखें तो डी, तो यहाँ पे ए बी और सी के साथ एक्स जुड़ा हुआ है पर डी इज़ कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 कब है, एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे है, एक्स की वैल्यू 0। अगर हम एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दें, एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें, तो डी हमारा कुछ आ जाता है। ठीक है, तो डी हमारा 0 नहीं है। ठीक है, तो डी इज़ ग्रेटर देन 0, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, कंसीडर यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर दे रखे हैं। अब ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल भी लग रहा है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दिख रहा है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर आर इन एन। ठीक है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं ये मुझे काउंट करना है। तो पहले मैंने 1, 4, 9 डिजिट की कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर मुझे मिल रहा होगा 16, 25, 36, मतलब किसी के स्क्वायर चलता जा रहा है, 49, 64, 81, ऐसे कितने नंबर्स आ रहे हैं, 6 नंबर आ रहे हैं।
फिर उसके बाद मुझे तीन तीन के नंबर काउंट करने हैं, 100, 121, ऐसे कितने नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर्स आ रहे हैं, और सबसे लास्ट में 1024 यानी कि 4 डिजिट का कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 नंबर आ रहा है। ठीक है, इन सारे नंबर्स को मुझे क्या करना है, काउंट करना है। तो 33 के 1 हैं, 2 डिजिट वाले 6 नंबर हैं, 3 डिजिट वाले 22 नंबर्स हैं, और 4 डिजिट वाला 1 नंबर है। इन सबको हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। काउंट करके कितना मिल रहा है, टोटल 85 नंबर्स आ रहे हैं। तो ये टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं, 85। ये क्वेश्चन अच्छा है, 93, और इसके इस तरीके के कई क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर्स के पेपर में भी आए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप फोकस करेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये मैथ्स का पूरा सोल्यूशन हो गया।